भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 भगवान शिव जी द्वारा स्तुति का ज्ञान। भगवान शिव जो परम वैष्णव हैं उनका दर्शन प्रचेतागण करते हैं और उनका दर्शन करने के बाद प्रचेतागण भगवान शिव के चरण कमल में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके आगे श्लोक संख्या 26। सातान प्रपन्नार्ति हरा भगवान धर्म वत्सला धर्म ज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाचः। रंगनी प्रिय माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। शिव प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिव पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले, हरे कृष्ण। तो जो शील स्वभाव का है, जो विनम्र है, उसके ऊपर गुरुजन स्वभावता ही प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर गुरुजन स्वभावता ही कृपावान होते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे गुण होंगे तो गुरुजन ज्यादा कृपा करेंगे, नहीं। विनम्रता, शीलता, इस प्रकार प्रचेता उनके चरण कमलों में गिरे, प्रार्थना की, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न होते हैं, भगवत भक्त प्रसन्न होते हैं, तो फिर आशीर्वाद स्वरूप से उपदेश देते हैं। ये उपदेश वास्तव में साधुओं का आशीर्वाद है। अर्चना माता जी, आप पर उन पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव को धर्म वत्सल कहा गया है। धर्म वत्सल उस व्यक्ति का द्योतक है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है। यह उसका सीधा अर्थ है। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व भी है। कभी कभी शिव का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ही धार्मिक नहीं होते और न उनके कार्य ही पवित्र होते हैं, किंतु चूंकि वे भौतिक लाभ से वशीभूत होकर शिव की उपासना करते हैं, अतः कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। जब शिव देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। प्राचीन बर्हिषत के पुत्र प्रचेतागण स्वभाव से अत्यंत पवित्र एवं भद्र थे, अतः शिव उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव समझ गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं, अतः शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। तो वैष्णवों को कल्पतरु बोला जाता है, वांछा कल्पतरु भस्य। कल्पतरु सारी वांछाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु वैष्णव होते हैं। रजोगुणी तमोगुणी के व्यक्ति वैष्णवों के पास जाके भौतिक लाभ मांगते हैं, लेकिन जब प्रचेताओं के सत्वगुण को देखा, प्रचेताओं के गंभीरता को देखा, भगवान शिव उनको भक्ति देने के लिए तैयार। श्री रुद्रोवाच, यहां से भगवान शिव के उपदेश शुरू हो रहा है। श्री रुद्र उवाच यूयम् विदिशदः पुत्रा विदितं वा चिकीर्षितं अनुग्राह्य भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। प्रमोदानंद प्रभु जी, श्री जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बड़ी के पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ तुम क्या करना जा रहे हो, अतः मैंने तुम्हें तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। अरे तो वैष्णवों का मिलना मतलब ये है विशेष कृपा। वैष्णवों को मिलना मतलब कार्य पहले ही सिद्ध हो गया। अगर वैष्णव किसी को मिल गए मतलब उसका कार्य पहले ही सिद्ध हो गया। ये प्राचीन वरी के पुत्र प्रचेता भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किए हैं। भगवान शिव जानते हैं किस उद्देश्य से ये लोग जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मीनू माता जी, इन शब्दों में शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वह उन सब को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवता गण प्रसन्न
होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उन्नत रहते हैं। इसलिए श्री विरलभ मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अर्थात कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पथ पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। मान लीजिए आप कोई विदेश गए हैं और एयरपोर्ट में आपको कोई भक्त दिखे जो तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, बेचारा भटक रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप स्वतः ही जाकर उसकी मदद करें, कह रहे बेचारा भक्त है, इसको मदद की जरूरत है और कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मदद करता। उसी तरह देवता भगवान के भक्त है, देवता देखते हैं कि हाँ ये जीवात्मा गंभीरता से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, वो देवता अपने आप आकर के मदद करते हैं, पृथक रूप से किसी के पास जाने की भगवत भक्त को आवश्यकता नहीं रहती। यह परम परम हंस साक्षात त्रिगुणात जीव संगितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम सह प्रिया ही मे। विवेकानंद प्रभु। हरे कृष्ण। शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति तथा जीवात्म सहित प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। एकमात्र श्लोक से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भगवान शिव स्वयं क्या बोल रहे हैं, जो भी वासुदेव प्रपन्नः, जो भगवान वासुदेव को शरणागत है, प्रिया ही मे, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार उनको भगवत भक्ति करने की प्रेरणा भगवान शिव दे रहे हैं। हरि प्रिया माता जी। अब शिव जी कारण बताते हैं कि वे राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए। कारण ये था कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, बहु नाम जन्मानंद थे, ज्ञानवानाम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों में जो ज्ञानी होता है वह मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। सामान्य पुरुषों को शिव जी विरले ही दर्शन देते हैं, इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले ही हैं, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ हैं, सा महात्मा सुदुर्लभा। फलतः शिव जी विशेष रूप से वृजताओं को देखने आए थे, क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव के पूर्णतः शरणागत थे। वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में भी हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि वासुदेव चरम सत्य हैं, अतः शिव जी स्पष्ट करते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है और श्री कृष्ण का शरणागत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान वासुदेव कृष्ण न केवल सामान्य जनों द्वारा पूज्य हैं, वरन शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यह ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुतिवंतु दिव्य दिव्य सत्वे, भागवत 12.13.1। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो ये खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आए। भगवत हाँ, गीता में ये भगवान भगवान के जो भक्त हैं बड़े दुर्लभ हैं। हर व्यक्ति भगवान की तलाश तो कर रहा है, लेकिन छिन्न रूप से कर रहा है, पदार्थों में भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ विरले होते हैं जो भगवान को साक्षात प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे दुर्लभ भक्त को देख करके शिव, ब्रह्मा इत्यादि देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो जब प्रचेताओं के अंदर वो भगवत भक्ति की स्पार्क, चिंगारी देखी, भगवान शिव वहां पर उनको मदद करने के लिए पहुंच गए।
सुनीता चौधरी माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वासुदेव ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। वास्तव में वे भोक्ता पुरुष तथा सर्वोपरि उत्तम दोनों हैं। वे हर वस्तु प्रकृति तथा पुरुष से के भोक्ता हैं। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से जीवात्मा भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, किंतु वह वास्तविक भोक्ता पुरुष नहीं है, अपितु प्रकृति है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 7:5 में हुआ है। अपरे अपरे च अपरे यमित तो वन्य प्रकृति विधि विधि से पराम। इस प्रकार जीव वास्तव में प्रकृति के परमेश्वर को तटस्थता शक्ति है। भौतिक शक्ति माया का संग होने से वह भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी हुई है। ममे वाशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना वष्टा नींद्रे वाणी प्रकृतिस्थानी त्वेषति। इस बद्ध संसार में जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश रूप हैं। वे बद्ध जीवन के कारण मन समेत 6 इंद्रियों से संघर्ष करते रहते हैं। भौतिक ऐसा नहीं है, प्रकृति ऐसा नहीं है कि प्रचेता ही भगवान की भक्ति करने के अधिकारी है। हर जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान की भक्ति करने के लिए अधिकारी, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जीवन में अपने दासत्व को भूल करके प्रभुत्व पकड़ लिया है, दास भाव छोड़ दिया है, अभी केवल ईश्वर बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। और उसमें उसकी कैसी हालत होती है आगे बता रहे हैं प्रफुल्ल प्रभु। अमित प्रभु, भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की चेष्टा में जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करता है। वास्तव में सुखोपभोग के लिए वह इतना कठिन श्रम करता है कि वह भौतिक साधनों का ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाता। अतः वह कभी कभी जीव या प्रकृति कहलाता है, क्योंकि वह तटस्थ शक्ति में स्थित होता है। जब जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित होता है तो जीव संहिता कहलाता है। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, क्षर तथा अक्षर। क्षर क्षर वे होते हैं जो पतित होकर बद्ध हो गए हैं, और अक्षर वे हैं जो बद्ध नहीं हैं। अधिकांश जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और अक्षर कहलाते हैं। वे ब्रह्मा तथा शुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व के पद पर स्थित होते हैं। वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध जीवात्माओं से भिन्न होते हैं। क्षर तथा अक्षर इन दोनों से ऊपर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव को श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। निर्विशेषवादी वासुदेव को निर्गुण ब्रह्मा के रूप में बता सकते हैं, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्मा श्री कृष्ण के अधीन होता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। ब्रह्मानो ही प्रतिष्ठां, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्मा के स्रोत हैं। यस्य प्रभा प्रभावतो जगद दंड कोटि। निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण के शारीरिक तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस शारीरिक तेज की किरणों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इस तरह सभी प्रकार से वासुदेव श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, और शिव उनसे अत्यंत संतुष्ट होते हैं, जो श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पण पूर्णतः हो, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में उन्होंने इंगित किया है, सर्व धर्मानि परिजत्य माम के शरणम व्रज। साक्षात शब्द भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से दो प्रकार के जीव हैं, शर अक्षर। अक्षर मतलब जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के परिकर हैं, वो कभी भौतिक संसार में नहीं गिरते, लेकिन हमारे जैसे सामान्य जीव भौतिक संसार में गिर के जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है, और ऐसे जीवों को भगवत भक्ति करने की मदद वैष्णवगण करते हैं। मंजू माता जी, साक्षात शब्द भी महत्वपूर्ण है। तथा कथित भक्त तो अनेक है, किंतु वास्तव में वे केवल कर्मी तथा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। कभी कभी कर्मी अपने कर्म का कर्म फल वासुदेव को अर्पित कर देते हैं, जो कर्म पारायण कहलाता है। ये साकाम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि कर्मी जन
भगवान श्री विष्णु को शिव तथा ब्रह्मा जैसा देवता मानते हैं। चूंकि श्री विष्णु को देवता के समान पद पर मानते, अतः उनके अनुसार देवताओं के प्रति समर्पण वासुदेव के प्रति समर्पण जैसा है। किंतु यहाँ पर यह मत का तिरस्कार हुआ है, क्योंकि यदि यह सत्य सत्य होता तो शिव कहते कि मुझमें वासुदेव, श्री विष्णु या ब्रह्मा में समर्पण एक ही है। किंतु शिव ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वे स्वयं वासुदेव की शरण में जाते हैं, और जो कोई वासुदेव की शरण में जाता है वह उसे परम प्रिय होता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। निष्कर्ष यह है कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं होता, किंतु श्री भगवान श्री कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ये स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति आपकी बहुत चापलूसी करे, लेकिन आप जिसको आराध्य आराधना आराधना करते हैं उनको ना माने, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जिसको आराधना करते हैं, व्यक्ति उसकी आराधना करे, स्वभावतः आपको बड़ा प्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान शिव भगवान के परम वैष्णव है, और कोई भक्त इस तरह बनता है, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म भी पुमान विरंचिता मेति ततः परम हि माम अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। भूमिका माता जी, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्म तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य होता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अन्य भक्ति वंश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। कितनी भगवत भक्ति की दुर्लभता है। व्यक्ति वर्णाश्रम को 100 जन्मों तक निभाएगा, तब बिल्कुल एकदम निष्पाप तरीके से तब ब्रह्मा के पद पे पहुंचेगा, और इससे भी ज्यादा भाग्य होगा तो भगवान शिव के पास पहुंचेगा। लेकिन भगवत भक्ति इतनी है, इसी जन्म में सीधे भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी स्वयं बन जाता है। देवतागण ब्रह्मा इत्यादि संसार के विनष्ट होने तक उनको भी इंतजार करना पड़ता है, तब जाके अगर वो भगवत भक्त होंगे वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। लेकिन भगवत भक्त कितना सौभाग्यशाली। जय माता जी। इस श्लोक में विकास क्रम की चरम परिणति संबंधी विचार प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम। आइए हम विकास प्रक्रम की खोज को प्रलय से प्रारंभ करें। जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था, उस समय अनेक मछलियां तथा अन्य जलचर थे, और इनसे ही लताओं तथा वृक्षों का विकास हुआ। फिर इनसे कीड़े मकौड़ों तथा सरीसृपों का विकास हुआ, जिनसे पक्षी पशु तथा मनुष्य और अंत में सभी मानव का विकास हुआ। अब सभी मानव ऐसे चौराहे पर है जहाँ वह आध्यात्मिक जीवन में आगे विकास कर सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि जब जीव को जीवन का सभ्य रूप प्राप्त होता है तो स्वधर्म अर्थात अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार उसमें सामाजिक श्रेणियां होनी चाहिए। स्वधर्म निष्ठ भगवत गीता में इसका संकेत है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज के चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है। सभी मानव समाज में ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण होने चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है स्वधर्म निष्ठ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई अपने पद पर अटल रहे और अपने विशिष्ट कार्यों को ठीक से करे तो वह सभी मनुष्य समझा जाता है, अन्यथा वह पशुतुल्य है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो भी स्वधर्म को 100 जन्मों तक संपन्न करता है, उदाहरणतः ब्राह्मण एक ब्राह्मण की तरह कर्म करता रहता है, वह ब्रह्म लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह शिव लोक या सदाशिव लोक भी है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक मृत्यु जगत की सीमा पर स्थित है। यदि ब्रह्म लोक में स्थित रहने के बाद कोई अधिक योग्य बन जाता है तो वह सदाशिव लोक को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई और भी योग्य हो जाता है तो वह वैकुंठ लोक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ तक कि देवताओं का भी लक्ष्य वैकुंठ लोक प्राप्त करना रहता है, और एक निष्काम भक्त यदि भौतिक लाभ की इच्छा न रखता हो तो इसे भी पा लेता है।
जैसा कि भगवत गीता में संकेत है, कोई भले ही ब्रह्मलोक को प्राप्त क्यों न कर ले, किंतु भौतिक कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनावृता नार्जुना। इसी प्रकार शिवलोक पर पहुंचकर भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि शिवलोक तटस्थ है, किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका विकास प्रक्रम समाप्त हो जाता है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी भी पुष्टि हुई है कि मानव समाज में जिस व्यक्ति ने चेतना विकसित कर ली है उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह शरीर को त्यागने के बाद तुरंत वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जा सके। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। जो भक्त पूर्णतया कृष्ण भक्ति करता है और जो ब्रह्मलोक या शिवलोक जैसे किसी भी लोक में आकृष्ट नहीं होता, वह कृष्ण लोक को भेज दिया जाता है। मामेति, यही जीवन की तथा विकास क्रम की चरण परिणति। एकदम जलचर प्राणियों से शुरू करके प्रभुपाद बता रहे, जलचर प्राणी, फिर स्थावर प्राणी यानी पेड़ इत्यादि, उसके बाद कीट पतंग, उसके बाद जानवर पक्षी, मनुष्य, सभ्य मनुष्य, सभ्य मनुष्यों में भी चार वर्णों का स्थिति, और उसके बाद फिर उत्तम कोटि के जो मनुष्य होंगे, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तः, वो ऊपर के लोकों को जाएंगे, उनमें कुछ देवता बनेंगे, उनमें से कुछ ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, फिर और भी भाग्यवान होंगे शिवलोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन शिवलोक आध्यात्मिक जगत के एकदम एंट्रेंस पर है, एकदम प्रवेश द्वार पर है, वो भीतर नहीं है। उनसे भी भाग्यशाली होंगे, वो वैकुंठ में जाएंगे, और सबसे भाग्यशाली जो वैकुंठ के भी चरम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य क्या है, स्मरण रखना चाहिए। लक्ष्य यदि भगवत भक्ति है, लक्ष्य यदि भगवान के चरण है, तो गोलोक वृंदावन तक जाने के लिए गंभीर भक्ति का अनुशीलन होना चाहिए। अथ भागवतायुयम् प्रियस्था भगवान यथा नामत भगवता नाम च प्रेया प्रेयान अन्यः असित कर्हिचित। किरण माता जी, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरी आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता है। तुम भी भगवान का आराधना करते हो और इसीलिए मेरे लिए भगवान के भक्त तो भगवान के समान पूजनीय है। भगवान शिव बोल रहे हैं, यद्यपि सबसे श्रेष्ठ है वैष्णवों में, लेकिन बाकी भक्तों को प्रेम करना, बाकी भक्तों को आदर देना, ये वैष्णव का स्वभाव होता है। अनिकेत प्रभु, तात्पर्य कहा जाता है कि वैष्णव नाम यथाशंभु, शिवजी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिवजी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिवजी का एक मंदिर है जिसे गोपीश्वर कहते हैं। गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थी अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उनसे कृष्ण का कृपा भाजन बनने की प्रार्थना करता है, वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवद गीता में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। कामेश 23:13 हृत ज्ञाना, काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता क्योंकि वह कामाभिभूत नहीं कभी नहीं होता। शिवजी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई ना कोई वर प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि शिवजी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। शिवजी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय है। शिवजी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं है, अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वे उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूछते। नाम अपराधों की सूची में यह उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिवजी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान के समान किया जाना चाहिए और कभी कभी
तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता, यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिवजी असुरों को औपचारिकता अवश्य आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान का ही भक्त प्यारा है। हरे कृष्ण। एक बात तो है, कृपा करना शिव जी के जो उपासक हैं उनके ऊपर वो कुछ कल्याण दे सकते हैं, कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं भगवत भक्तों की तो मैं पूजा करता। भगवत भक्त इतने श्रेष्ठ हैं, भगवान शिव उनसे मिलके प्रसन्न होते हैं। इसलिए दक्षिण भारत यात्रा पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे तो शिव मंदिरों में जब जाते थे हरिनाम संकीर्तन करते थे। ये भगवान शिव के लिए आनंद की बात है। मांगने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन जब कोई भगवत भक्त भगवान शिव से मिलने आता है, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रचेताओं को मिलके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस्करम चापि श्रूयताम तद्ददामिव। अक्रूर प्रभु, बहुत प्रणाम करूंगी। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उपदेश को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। अभी मंत्र दे रहे हैं, गुरु का काम है तो मंत्र दे करके उनको उद्धार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विनोद प्रभु, विविक्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा सुनाई गई इस स्तुति को संप्रदाय परक नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे अत्यंत गुप्त मानकर समृद्धि प्राप्त करने या सुख जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति का महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसा कि स्वयं शिव ने किया। हरे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रे नहीं, हम तो शिव जी के उपासक हैं, आप विष्णु के उपासक हैं, आप इधर हैं, आप उधर हैं, नहीं। ये जो सिद्धांत भागवत में है सबके लिए है, भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं इन सिद्धांतों का पालन करना। मैत्री उवाच इति अनुक्रोश हृदया भगवान आहतान शिवः बद्धाच्छलिन राजपुत्रान नारायण परह वचा। यमुना माता जी, हरे कृष्ण। महर्षि मंत्रे ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अयंत की कृपावश हाथ जोड़े कर खड़े हुए राजा के पुत्र से कहते रहे। हरे कृष्ण। अभी वंदना करने वाले हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान शिव परम पुरुषोत्तम भगवान की वंदना कर रहे हैं। तात्पर्य अनीता साहू माता जी। शिव जी स्वेच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और उनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देता है क्योंकि गुरु द्वारा उच्चारित होने से मंत्र अधिक शक्तिशाली बन जाता है। शिव जी ने राजपुत्रों से मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहा क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। हरे कृष्ण बोल देते। इस प्रकार से मन का मंत्र को जप करना बड़ा आवश्यक है, ध्यान पूर्वक जप करना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो मंत्र फलित नहीं होता। और ये मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है जब प्रमाणित गुरु से ही मंत्र प्राप्त होता है। हम वैसे तो सामान्यतः जप करते ही हैं, लेकिन जब गुरु का आश्रय मिलता है, दीक्षा मिलती है, मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। श्री रुद्र उवाच जितम तः आत्मवित्वर्या स्वस्तये स्वस्तिः अस्तु मे भवता आराध सारब्धं सर्वस्मै आत्मने नमः। गायत्री माता जी।
शिव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी जय हो, आप सभी स्वरूप पद्धति स्वरूप सिद्धों में महान है, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य है, आप परमात्मा है, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता। तो स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप ही सबके कल्याण प्रद भगवान हैं, सबको कल्याण करने वाले हैं, और आपके उपदेश जो हम शिरोधार करते हैं आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। राहुल प्रभु, तात्पर्य जो ही भक्त भगवान की स्तुति के लिए प्रोत्साहित होता है त्यों ही वह प्रारंभ में इस प्रकार बोलते हुए स्तुति करने लगता है। हे भगवान आप धन्य हैं। भगवान की महिमा का गान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध पुरुषों में प्रधान माने जाते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्तानाम चेतन श्वेतनानाम। परम पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त जीवों में प्रधान पुरुष है। जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो इस भौतिक जगत में रहते और कुछ वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वे पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध होते हैं क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव भगवान की सेवा करना नहीं भूलता, अतः वैकुंठ लोक में भगवान की भक्ति करने वाले सारे लोग शाश्वत स्थिर रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की स्थिति के साथ साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी परिचित होते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध जीवों में भगवान परम स्वरूप सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत चेतनानाम। जब जीव भगवान को परम पुरुष समझने में स्थिर हो जाता है तो वास्तव में वह सर्व कल्याण में स्थिति पर स्थित हो जाता है। यहाँ पर शिव जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। परमेश्वर सभी प्रकार से पूर्ण है और उनका यही उपदेश है कि जो उन्हें पूछता है वह भी पूर्ण हो जाता है, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि उनकी सतत उन्नति के लिए उन्हें उपदेश देते रहते हैं। जब वे पूर्ण सर्व परिपूर्ण उपदेश ग्रहण करते हैं उनके भ्रमित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसकी पुष्टि भी भगवद गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है, ददामि बुद्धि योगम योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। भगवान शुद्ध भक्त उपदेश देने के लिए सतत उद्यत रहते हैं जिससे वह भक्ति में उन्नति करता चले। चूंकि भगवान सर्वात्मा के रूप में उपदेश देते हैं अतः शिव जी उन्हें सर्वात्मा आत्मने नमः करके सम्मान अर्पण करते हैं। व्यष्टि जीव आत्मा कहलाता है और भगवान आत्मा तथा परमात्मा दोनों है। प्रत्येक हृदय में स्थित होने के कारण भगवान परमात्मा कहलाते हैं, अतः उन्हें सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रसंग में लोगों को निराकार ब्रह्म क्यों पसंद आते हैं? लोगों को निराकार ब्रह्म इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो उपदेश नहीं देते। लोगों को लगता है मन की बात ही निराकार ब्रह्म की बात है। थोड़ी देर तपस्या में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जो मन में आता है फिर वो करते हैं। उनको लगता है परमात्मा उनको गाइड कर रहा है, लेकिन भगवान स्वरूप क्या है? भगवान स्वरूप उपदेश देते हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते। भगवद गीता के उपदेश देते हैं, भागवत के उपदेश देते हैं, अलग अलग उपदेश देते हैं, ये करो ये मत करो, और अनुशासन तो किसी को पसंद नहीं है। तो आध्यात्मिक मार्ग में यदि आगे बढ़ना है भगवान के निर्देशों का पालन करना है, तेन माम उपयन्ति ते, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। सुरेखा माता जी, तथा परमहंसाना मुनि नाम मतलब नाम भक्ति योगन विधान अर्थ कथम पश्यम ही स्त्री। परमहंसों को उपदेश देने हेतु श्री भगवान सदैव उदत रहते हैं क्योंकि वे भौतिक जगत के कलमशों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। श्री भगवान ऐसे भक्तों को यह बतलाने हेतु उपदेश देते हैं कि भक्ति में कैसे स्थिर रहा जाए। इसी प्रकार श्री मद्भागवतम में आत्मा राम श्लोक में कहा गया है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युर कर्मे कुर्वन्त हेतु की भक्ति मिथ्य भूत गुणो हरि। आत्मा राम शब्द भौतिक जगत से विरक्त होकर आत्म साक्षात्कार में लगे रहने वालों के लिए आया है। ऐसे सुप्रसिद्ध पुरुष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सगुण तथा निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी भी श्री भगवान के व्यक्तिगत दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित होने पर भक्त बन जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के स्थिर भक्त बने रहना चाहते थे, जैसा कि
अगले श्लोकों में बताया गया है कि शिव कभी भी निर्विशेषवादियों की तरह परमेश्वर से तात्म्य नहीं चाहते, अपितु वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे परम पुरुष सभी भगवान की भक्ति में स्थिर बने रहे। इसी ज्ञान से मनुष्य यह समझ पाता है कि सभी व्यक्ति जिनमें ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता सम्मिलित है परमेश्वर के दास है। हरे कृष्ण। तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या बात कही जाए, लेकिन जो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान से आकृष्ट होते हैं और भगवान उनको उपदेश देके, शिक्षा देके, बुद्धि देके अपने धाम तक वापस लाते हैं। तो ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको उपदेश देते हैं। कितनी अच्छी बात है, उपदेश मिलना एक प्रेम का सूचक है। आप उसी को बात समझाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं भगवान शिव बता रहे हैं। अभी प्रणाम कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। नमिता माता जी। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के नियामक हैं और आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप छह प्रकार के विकारों से रहित होते हैं। छह प्रकार के विकार क्या हैं? छह प्रकार के विकार अर्थात भौतिक संसार के लक्षण। जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और संतान उत्पत्ति करता है, फिर अपने जीवन काल को स्थित करने का प्रयास करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, ये सब छह विकार। तो भगवान यद्यपि सर्व सृष्टि के स्त्रोत्र हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं है। इस तरह भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। आयुष प्रभु। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। इस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार गर्भोदकशायी विष्णु भौतिक इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के उद्गम है। चूंकि शिव अपने आप को इस भौतिक संसार के एक मानते हैं, अतः उनकी इंद्रिया परम सृष्टा के अधीन है। परमेश्वर को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, जिससे यह सूचित होता है कि हमारी इंद्रिया तथा इंद्रिय विषय परमेश्वर द्वारा निर्मित है। अतः वे हमारी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं और अपने अनुग्रह वश अपनी सेवा में प्रवृत्त करते हैं। बद्ध अवस्था में जीवात्मा संसार में संघर्ष करता है और भौतिक तुष्टि में इंद्रियों को लगाता है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की अनुकंपा हो गई तो वह इन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा सकता है। शिव भौतिक इंद्रियों द्वारा पद भ्रष्ट न होकर भौतिक कल्मश से दूर रहते हुए उन्हें शिव भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान वासुदेव जो सर्वव्यापक है, उनकी कृपा होने पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को बिना विचलित हुए भक्ति में लगा सकता है, जैसे शिव भगवान विचलित हुए बिना कार्य करते हैं। इस श्लोक का शांताय कुठस्थाय सर्वोचिषे अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि शिव भगवान इस भौतिक जगत के भीतर है, फिर भी वे भवसागर की लहरों में विचलित नहीं होते हैं, किंतु बद्ध जीव छह प्रकार के विकारों से विचलित होते हैं। यह है भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। यद्यपि बद्ध जीव भौतिक जगत के इन बंधनों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव इन परिवर्तनों से कभी विचलित नहीं होते। इसलिए यहाँ कहा गया है कि वे सदैव शांत कुटस्थाय तथा अपने कौशल के कारण अविचल रहते हैं, जिससे यहाँ सर्वोचिषे कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी दिव्य स्थिति के कारण स्वयं प्रकाशित होते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत जीव यद्यपि वह परमेश्वर के प्रकाश में होता है, कभी कभी परमेश्वर के प्रकाश से अपनी शुद्ध स्थिति के कारण नीचे गिरकर भौतिक बद्ध जीवन में प्रवेश करता है, किंतु शिव भगवान इस प्रकार बद्ध नहीं होते, इसीलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहा गया है। फलतः इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर कोई भी बद्ध जीव जब तक भगवान वासुदेव के संरक्षण में होता है या जब तक भक्ति में सेवा में लगा रहता है, तब तक वह सर्वथा पूर्ण रह सकता है। हरे कृष्ण। तो जैसे एक लोहा आग के संस्पर्श में रहे तो वो आग जैसा ही बन जाता है, उसी तरह भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेकर के रहते हैं तो वह भी इस मोह, शोक, भय, भूख, प्यास इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं।
हरे कृष्ण ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की। किसी का कोई प्रश्न है? यस गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, समस्या धन्यवाद। की हार्दिक शुभकामना प्रभु जी के चरणों में। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी कौन थे? हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। बिल्वमंगल ठाकुर जिन्होंने पहले एक ब्राह्मण थे और एक वेश्या के प्रति बड़े आसक्त थे, तो वेश्या के पास चिंतामणि, उस वेश्या का नाम था, उस वेश्या के पास गए। उस वेश्या ने थोड़े कटु वचन बोले, काफी लंबी कथा है, संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। उन्होंने कटु वचन बोले, उन्होंने बोला जितनी आसक्ति आपको हमारे पास है उतनी आसक्ति यदि कृष्ण से होगी आपको कृष्ण मिल जाएंगे। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो वृंदावन जाएंगे। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में एक घर में भिक्षा करने के लिए गए। तो भिक्षा जब करने के लिए गए तो उस घर की जो महिला थी उनके प्रति फिर उनको आकर्षण हो गया। तो उन्होंने सोचा जब तक ये आंख रहेंगी तब तक आकर्षण रहेगा, तो ये आंखों का रहने का जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने उसी महिला से एक पिन मांगी, उस पिन से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और फिर एक तरह से अंधे हो गए, वृंदावन धाम गए। वृंदावन धाम में जाके भगवान के भजन, भगवान के कीर्तन इत्यादि करते, और भगवान कृष्ण स्वयं बाल स्वरूप में उनका हाथ पकड़ के पूरा वृंदावन दर्शन करा। बहुत महान भक्त हैं, खूब सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारे उनने श्लोक लिखे हैं। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तात्पर्य आया 27 श्लोक में, लास्ट लाइन है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। हाँ प्रभु जी एक लेक्चर में सुना था कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष अंधकार है सूक्ष्म रूप से, तो हाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी को चाहिए भी तो ये भक्ति से स्वतः ही मिल जाते हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। जैसे मानो कोई आईआईटी में पढ़ाई करके आया है, तो क्या उसको 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती? आराम से मिल जाएगी। वो चाहेगा नहीं वो दूसरी बात, अब आईआईटी से पढ़ के आया तो वो लाखों का पैकेज चाहेगा, लेकिन क्या 10,000 की नौकरी नहीं मिल सकती? हाँ मिल सकती है। तो उस तरह बात हो रही है। भगवत भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान को भक्त के पास दे देती है, तो भगवत भक्ति के बल पर धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं मिलेंगे, वो स्वतः ही मिल जाएंगे, उस तरह बात हो रही है। प्रभु जी धर्म से तात्पर्य क्या पुण्य कमाने की इच्छा? हाँ धर्म अर्थात हमारी वृत्ति जो कार्य है उनको धर्म बोलते हैं, व्यवसाय वर्णाश्रम ये धर्म। तो दूसरा आपने एक शब्द बोला था, पदार्थ में भगवान को ढूंढ रहा है, तो पदार्थ में भगवान से कैसे ढूंढ रहा है? पदार्थ में भगवान को ढूंढते, मतलब हमारी इच्छा तो है भगवान को प्राप्त करने की, ये सब जीव की तलाश वही है, लेकिन अभी उसको लग रहा है नहीं, मुझे भोजन अच्छा मिलेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये पदार्थ में संतुष्टि ढूंढना, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे घर मिल जाएगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी इत्यादि, वो सारी बात हो रही। थैंक भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो अभी कल बात कर रहे थे सेम यहाँ पर भी आया, तो जैसे जो अच्युत है मतलब जो नित्य मुक्त है, और हम तो मतलब तो जब जब भगवान से मतलब ये कोई टाइम तो है नहीं, काल नहीं है, पर जब भगवान से मतलब उत्पत्ति हुई होगी उसको बोल नहीं सकती मैं कि कैसे इसको फ्रेम करूं, पर तो सारे उस समय नित्य मुक्त होंगे, इस तरह होगा, फिर हम ईर्ष्या करके अलग हुए होंगे भगवान से, तो थोड़ा इसका सरल मन। सरल बात है, गुरु महाराज कई बार बोलते थे इसके ऊपर विचार करने जाएंगे तो कंफ्यूज होना ही है, 100% होना है, क्योंकि वहां भगवत धाम में कैसे विकार आया ये जानने के लिए भगवत धाम ही वापस जाना पड़ेगा। अभी प्रश्न है कि वापस कैसे जाना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लो मलेरिया हुआ है,
तो अभी किस मच्छर ने काटा, उसको ढूंढने जाएंगे, कब काटा, वो संभव नहीं है। अब मलेरिया की दवाई लेनी, तो ये कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है ही। कैसे जीव गिरा, कई आचार्य बोलते नहीं वो तो भौतिक संसार में था, कई आचार्य बोलते नहीं आध्यात्मिक संसार से गिरा। हमको उसमें पढ़ना नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूजन होने ही वाला है। इससे अच्छा है अभी ये तैयारी करनी है कि वापस कैसे जाएं। जब वापस जाएंगे तो कृष्ण को पूछ लेंगे कि हमारे अंदर विकार कैसे आया, तो भगवान बता प्रभु जी, प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, या हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो पढ़ते हैं, वो सारे नित्य मुक्त हैं, उन सबको मानेंगे, है ना? यस मतलब नित्य मुक्त, जो गोपियां हैं वो, उनके अंदर उस तरह विकार कभी आया ही नहीं, इसलिए नित्य मुक्त है। यदि उनके अंदर आता तो वो नित्य मुक्त नहीं होते। ठीक है। तो मतलब चांसेस पतन के सबके होते हैं? जरूरी नहीं है, जैसे मानो कैंसर होने के चांसेस सबके हैं क्या? एक तरह से यस भी बोल सकते हैं, एक तरह नो भी बोल सकते हैं। सबको कैंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तो उस तरह तो बीमार वो कहलाएगा जिसको हो गया, तो तो यार गई साइकिल। नित्य बद्ध वो कहलाएगा जो भगवत धाम छोड़ के यहाँ आ गया, वो नित्य बद्ध उस तरह। अब कौन को होगा कौन को नहीं होगा बोलना मुश्किल है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि प्रिया माता, इसके ऊपर कई वैष्णवों ने किताबें भी लिखी हैं, लेकिन अंततः ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि इसको यहाँ से समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु माँ जिसका हमेशा आंसर एक ही देते थे, तुम जब भगवत धाम जाओगे कृष्ण से पूछ लेना कैसे गिरे थे, वो बता दे। हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, 23rd चैप्टर के फर्स्ट वर्स में आया, महाराज पृथ्वी का भगवत आगमन में, जब वो अपना ऐश्वर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सौंप के जा रहे थे, इसमें आया कि उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तो पृथ्वी पुत्री स्वरूपा ये कैसे? वो हमने पढ़ा ना पहले, जब पृथु महाराज का जन्म हुआ, राजा बने तो पृथ्वी को शासन करने के लिए गए। पृथ्वी को शासन करने के लिए गए तो पृथ्वी ने उनकी शरण ली कि मैं आपकी पुत्री समान हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तब पृथु महाराज ने उनको शरण दी, ठीक है तो मेरी पुत्री समान हो लेकिन मेरी प्रजा भी तो मेरे पुत्र पुत्री हैं, तो उनको पोषण तुम दो। तो उस समय पृथु महाराज ने पृथ्वी को पुत्री समान स्वीकार किया था, इसलिए नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज के नाम से ही तो नाम पृथ्वी पड़ा, तो उस प्रकार से ठीक उनकी पुत्र पुत्रीवत उनको प्रेम किया पृथ्वी को पृथु महाराज। ठीक थैंक वसंत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये क्लास से तो प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी गुरु वैष्णव अनुगत माही झोलिनेश हलधर महाराज के क्लास से प्रश्न है। महाराज बता रहे थे कि भक्त को ये भी चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, तो इसको थोड़ा हम समझ नहीं पाए। हरे कृष्ण। ये उन भक्तों के लिए है जो गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है। जो गुरु की सेवा में आश्रित है उसको उसकी उन्नति करने का उसके उसका उसका चिंता क्या है? जैसे जयानंद प्रभु प्रभुपाद के बड़े प्रिय शिष्य हैं, उनको किसी ने पूछा कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाए, तो जयानंद प्रभु ने बोला कि मैं प्रभुपाद की सेवा में इतना व्यस्त हूँ कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। एक तरह से उन्होंने उसका उत्तर दे दिया, कैसे आध्यात्मिक उन्नति होगी? गुरु की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से आदेश पालन करता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो होना ही है। जो पढ़ाई करेगा उसके नंबर तो आने ही है, उसको अलग से नंबर की चिंता क्या करनी, वो बात हो रही है। नंबर की जी चिंता कौन करता है? जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। हाँ 5 नंबर का ये हो जाएगा, 5 नंबर के तुक्के मारूंगा, 5 नंबर ग्रेस के मिल जाएंगे, पास हो जाऊंगा, वो किसका चिंतन है? जो पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन जो पढ़ाई करता है उसको मार्क्स की चिंता नहीं। इसी तरह जो गुरु के आदेश पालन करता है उसको आध्यात्मिक उन्नति की चिंता है, वो तो होना ही है, वो बात चल रही। तो जी हम तो उल्टा कर देते, चिंता ज्यादा करते हैं। और हाँ, चिंता कब होती है? जब विश्वास नहीं होता। जैसे निताई गौर हैं, दोनों को आपके ऊपर क्या विश्वास नहीं है? उनको कोई चिंता थोड़ी है, उनको मालूम है पिताजी खिलाएंगे पिलाएंगे सब करेंगे, उनको चिंता नहीं है। आपको चिंता क्यों है? आप सोच रहे आप पिताजी हो, इसलिए आपको चिंता है।
चिंता जब नहीं होती है जब विश्वास होता है। तो जब गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए चिंता है। जब प्रभुपाद के ऊपर, गुरु वैष्णव के ऊपर विश्वास होगा कि हाँ मैं उनके आदेश पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी सफलता होनी है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति होनी, तो फिर चिंता का प्रश्न ही नहीं होता। जी 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 थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। ये जो श्लोक आता है ना, मामु पेते तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे इसका मतलब एक बार समझा दीजिए। भगवान बोलते हैं जो मेरे पास दोबारा वापस आएगा उसको दोबारा भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि भौतिक संसार का पुनर्जन्म मतलब ही है समस्या की जड़। जैसे जेल में एंट्री तो समस्या की जड़ है, जेल में आए मतलब आप पिटाई तो पड़नी है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता अरे क्यों मार रहे हो, आप जेल में आए इसलिए पिटाई पड़ रही है। तो जन्म मिलेगा मतलब जरा व्याधि, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, मृत्यु, ये सब मिलने ही वाले हैं। फिर कोई ये नहीं बोल सकता अरे भगवान हमको कष्ट क्यों दे रहे हैं, नहीं आपने एंट्री ली है मतलब कष्ट तो मिलने हैं। तो भगवान बोलते हैं जो मुझ पर आश्रित है पुनर्जन्म ना विद्यते, उसको भौतिक संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मतलब मैं उसको आध्यात्मिक संसार में ले जाऊंगा। ये जो कौन्तेय वर्ड आया ये अर्जुन के लिए आया ना? हाँ, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन। दूसरा प्रभु जी, जब जब हम ये सुनते हैं ना इतने लोक हैं, हमें इतना पार करना पड़ेगा जिसमें हमें इतनी मतलब कष्ट तो आएंगे, फिर अभी जो अभी बसंत प्रभु जी को आपने आंसर दिया, इसका आंसर यही होगा ना कि हमें अपना काम करना है जो प्रभुपाद जी ने बोला है। मान लो आप यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपका टेंशन थोड़ी है कितनी कंट्री पार करना है, कितने समुद्र पार, आपको केवल फ्लाइट में बैठना है, आपका क्या चिंता है। उसी तरह हमें क्या चिंता है कि स्वर्ग पार करना पड़ेगा, ब्रह्मा लोक पार करना पड़ेगा, शिव लोक पार करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति पार करनी पड़ेगी, हमको थोड़ी करना है। हम गुरु आश्रय रूपी विमान में बैठ जाएंगे, गुरु लेके जाएंगे, हमको केवल आज्ञा पालन करना है। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे इस कौन का आश्रय कभी छोड़ना नहीं, बस हमारा काम वही, प्रभुपाद का आश्रय कभी छोड़ना नहीं। यदि वो आश्रय में रहेंगे प्रभुपाद लेके जाएंगे, हमको थोड़ी चिंता है कैसे जाएंगे। रंगनी माता जी, रंगनी प्रिय माता जी। जी हमें मालूम है कि हम मतलब अभी उस तरह से हम पोजीशन पर नहीं है कि हम दास हैं, लेकिन कई इतना मालूम है कि हम यहाँ पे सेवक के रूप में आए हैं, लेकिन कई बार हमारा जैसे स्टाफ भी हमारे ऊपर ऐसे हावी हो जाता है, तो हमें उस स्थिति में कभी कैसे करना चाहिए। और हम जानते हैं कि उसमें भी परमात्मा के रूप में भगवान बैठते हैं, लेकिन हमें उस समय कैसे स्थिति में आना चाहिए। दास, दास होने का भाव रखना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना दोनों एक साथ चलना चाहिए। जैसे मानो राजा भी भगवान का दास है, लेकिन क्या वो शासन नहीं करेगा, क्या वो दंड नहीं देगा, ये उसका काम है। अगर दंड नहीं देगा तो उस जीवात्मा के लिए उसकी सेवा वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जीवात्मा पाप करता रहे और पाप करता रहेगा तो उसका ही पतन होगा। इसी तरह हमारे अधीनस्थ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको शासन में रखना तो हमारी जिम्मेदारी है, तो दास भाव से ही वो करना है। आप डांट भी रहे हैं तो दास भाव से डांटना है। गुरु कैसे शिष्य को डांटते हैं, क्या गुरु दादागिरी करते हैं? नहीं, गुरु शिष्य को डांटते हैं ये सोच के कि ये मेरी सेवा है। टीचर बच्चे को क्यों डांटते हैं? टीचर ये सोच के डांटते हैं मेरी सेवा है, यदि मैं आज अनुशासित नहीं करूंगा बच्चे को तो बच्चा बाद में बिगड़ जाए। उस तरह से हम सोच के काम, हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं उनके साथ, इसलिए इसका एक ही समाधान है, भगवत गीता 10वां अध्याय 10वां श्लोक। भगवान बोलते हैं तुम्हें सुनिश्चित करना है बुद्धि चाहिए, मेरी आराधना करो, अपना हरिनाम का जप, भागवत श्रवण, गुरु की सेवा अगर हम अच्छे से करें, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगंतम। भगवान बुद्धि देते हैं क्या सही है क्या गलत है, भगवान बुद्धि देते हैं। यदि उस प्रकार बुद्धि भगवान से चाहिए तो भगवत भक्ति अच्छे से करना चाहिए। बसंत हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो आपने उत्तर दिया, तो गुरु वैष्णव और ये इंस्टीट्यूट, ये अपना परंपरा, ये सब पे तो पूरा विश्वास है, लेकिन चिंता का मेन रीजन होता है खुद पे कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, बार बार उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उठते हैं गिरते हैं। खुद पे केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि मैं नालायक नंबर 1 हूँ, एक ही विश्वास होना चाहिए बस।
खुद के ऊपर एक ही विश्वास होना चाहिए कि मैं कोई लायक नहीं। अगर खुद के जी ऊपर ज्यादा विश्वास होगा मतलब वो अभिमान है। हमें विश्वास होना चाहिए गुरु कृष्ण के ऊपर। 100 बार गिरेंगे फिर उठ के उनका आश्रय लेंगे, वो तो हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको उनके आश्रय का कभी त्याग नहीं करना है। बस हमारा तो प्रवृत्ति ही है माया में पड़ना। हम अपने आप से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपने ऊपर इतना ही विश्वास होना चाहिए, मैं कोई भी माया के संस्पर्श में आऊंगा बस भटक जाऊं, ये विश्वास खुद पे होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। मैं मोबाइल पकड़ूंगा माया में चला जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा माया में चला जाऊंगा, मैं जो काम करूंगा माया में चला जाऊंगा। इसलिए अपना काम करते 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 कृष्ण चिंतन मुझे करना है, इसलिए अपना काम करते करते गुरु का चिंतन मुझे करना है। यदि जी गुरु वैष्णव पे विश्वास हो वो काफी है। ठीक है, जी प्रभु जी, तो बार बार हमको गिरने वक्त प्रे करते रहना है, प्रे करते कहाँ से रहना। गिरेंगे प्रभु जी हम लोग कितना तो गिर गए और कितना गिरेंगे। भगवत धाम से भौतिक संसार में गिर गए और कितना गिरेंगे, तो वो चिंतन नहीं करना है। अभी तो उठने की बात करें, गिरे तो हम पहले से ही, उठने की बात करें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। आयुष प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मतलब हम जैसे सुनते हैं कि हमारा मतलब यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आने का रीजन है कि हमने भगवान से ईर्ष्या करी, तो इसलिए हम यहाँ पे गिर गए। तो प्रभु जी एक्चुअली कि जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर मतलब मद, ये सब हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन हम ईर्ष्या भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर ईर्ष्या का मतलब ओरिजिन क्या है, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो भगवान की सेवा में भी नहीं लग रही है, पर एक्चुअली हम सुनते हुए कि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। ईर्ष्या ईर्ष्या प्रेम का विलोम है। ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, ये छाया स्वरूप। जो वस्तु सबसे ऊपर होती है वस्तु में, छाया में सबसे नीचे होती है। ईर्ष्या प्रेम का विलोम है। अब वही ईर्ष्या जब प्रेम में परिणत हो जाती है तो भगवान की सेवा में लगती है। कल को हम भगवान से ईर्ष्या करते थे, वैष्णवों से ईर्ष्या करते थे, हर जीव से ईर्ष्या करते थे, अब प्रेम करना सीखना। उस तरह ईश्वर ईर्ष्या को भगवान की सेवा में लगाना। ये जितने भी अनर्थ हैं इनके विलोम है आध्यात्मिक संसार। जैसे काम, काम वासना, उसका विलोम क्या है, सेवा वासना, सेवा की प्रवृत्ति। लोभ है, लोभ यहाँ भौतिक संसार के प्रति है, वहां लोभ सेवा का लोभ है, भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं वो लोभ है। यहाँ पर क्रोध है, वहां पर भी क्रोध है, लेकिन क्रोध कैसा है, मैं कृष्ण को सेवा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये क्रोध है। माता यशोदा का क्रोध कृष्ण के ऊपर, अरे इतने समय से प्रसाद नहीं लिया, आओ प्रसाद लेके जाओ, ये क्रोध है। तो इस तरह ये अनर्थों के विलोम आध्यात्मिक संसार में। तो हमें ईर्ष्या नहीं लगानी है, ईर्ष्या का विलोम प्रेम को लगाना। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। हरे आरती माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे और फ्रूट्स को क्या मतलब बिना छिले भी भोग लगा सकते हैं क्या, फ्रूट्स को जैसे छिलके, जैसे जनरली हम वो खाते हैं तो उसको कट करके छिलके खाते हैं। तो अगर मैंने बेटे को बोला ना कि भोगेगा तो मैंगो का, तो वो छिलने का, मैंने कहा छिल मत, ऐसा नहीं छिला जाएगा, ऐसे ही बोला। तो बोला भगवान जी कैसे खाएंगे, तो मैंने बोला भगवान जी खा लेते हैं, भगवान नहीं, कट करके जी। लगाना चाहिए, काट के भोग लगाना चाहिए। जो हम भोग लगाते हैं काट के भोग लगाना चाहिए। हम सेवक हैं, सेवक को स्वामी का कार्य सरल करना है, बढ़ाना नहीं। मान लो आपका सेवक है, आपका काम बढ़ा रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर अपने पास रखेंगे। सेवक का काम है स्वामी का काम कम कर। हम गुरु महाराज के कपड़े प्रेस करते थे, हमको सीतानाथपुर ने सिखाया था, बटन लगाओ फिर प्रेस करो, फिर प्रेस करने के बाद ये बटन खोल के रखो। क्यों? गुरु माँ जब कुर्ता पहनेंगे उनको दोबारा बटन खोलना नहीं पड़ेगा, वो पहनेंगे फिर बटन लगाएंगे। सेवक का काम क्या है, स्वामी का काम सरल करना, ये प्रेम की बात है। भोग तो भगवान स्वीकार मन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति क्या है, हमारे कर्तव्य है अच्छे से हम भोग लगाए। हाँ प्रभु जी, इसको कैसे समझे कि भगवान की इंद्रियां पूर्ण है हमारी अपूर्ण है। जैसे कई बार मंदिरों में देखा ना कि फ्रूट को साबित ही भोग लगा देते हैं बिना काटे,
बोलते हैं काट के रखेंगे तो इतनी देर में खराब हो जाएंगे, तो मंदिर अब उनको वही बात है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, आप भोग नहीं लगाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपका प्रेम कितना है ये प्रश्न है। भगवान की इंद्रियां तो पूर्ण है, भगवान को तो कुछ चाहिए भी नहीं, भगवान आत्मा राम है, हम भोग नहीं लगाएंगे तो भी तो भगवान संतुष्ट है। आपका प्रेम कितना है ये मैं बोल रहा हूँ, आप भोग लगाना चाहते हैं कि नहीं, आप काट के लगाना चाहते हैं कि नहीं? वो बात चली, ये भक्ति प्रेम का विषय है, नहीं तो वो कर्म कांड बन जाएगा। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भगवान खा ही लेंगे, फिर मैं प्रसाद रूप से प्राप्त करूंगा। कई लोग पंडित जी को बोलते हैं ना, पंडित जी बताओ कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट क्या कर सकते हैं, बताओ शॉर्ट से शॉर्ट यज्ञ क्या होगा। ये कर्मकांडी भावना है, भक्ति की भावना नहीं। भक्ति की भावना क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए क्या करूं। आप मंदिर इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे, वहां देखेंगे किस तरह एक एक फल को चुन करके पुजारी स्नान करके जाता है, शुद्ध कपड़े पहन के चुन करके फल लेता है, काटता है, सजाता है, सजाने की भी विधि है, एक जैसे पीस काटता है, अलग अलग कटोरियों में सजाता है, तुलसी पधराता है, फिर लेकर जाता है, भोग लगाता है। और ऐसा नहीं, फल 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 के साथ फिर मिठाई भी रखता है, कभी फल खट्टे निकल गए तो भगवान को मिठाई भी रखता है साथ में, कि कभी मीठी मिठाई खाएंगे साथ में, तो फल कभी अकेले नहीं लगते, फल के साथ संदेश का भी भोग लगता है। इस तरह प्रेम की बात है, हमें वो प्रेम से भगवान की सेवा करना है। भगवान तो स्वीकार सब कुछ कर लेंगे, जयानंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे, पेड़ का पेड़ ऑफर कर देते थे वो भगवान, क्या भरोसा कौन भोग लगाएगा। अलग अलग देशों में प्रचार करने जाते थे कि पूरा का पूरा पेड़ भगवान को अर्पित कर देते थे, भगवान वो भी स्वीकार करते, लेकिन हमारा प्रेम कितना है ये हमको देखना है। जी, ये कैसे समझे, जैसे उसने पूछा कि भगवान जी कैसे खाएंगे, तो मैंने कहा आंखों से खा लेंगे, तो हाँ, बोले आंखों से यही कैसे अंतर खाएंगे। है, यही अंतर है प्रेम में और ज्ञान में। प्रेमी भक्त सोचता है भगवान को मैं कैसे सरल से सरल काम करके दूं, और ज्ञानी क्या सोचता है, अरे खा लेंगे ना, आंखों से खा लेंगे, मन से खा लेंगे। ये ज्ञान और भक्ति में अंतर है, ठीक है। अरे जी श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तों की।